गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से विद्यालय में अवकाश है, तो विद्यालय ने आपके लिए ऑनलाइन कक्षा का प्रबंध किया है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप अपने मम्मी पापा के साथ घर में बैठे हैं, मम्मी या पापा को अपने मन की बात कहना चाहते हैं, तो आप कैसे कहेंगे, बोल कर कहेंगे? मान लीजिए आप अपनी बहन से बहुत नाराज हैं, आपका आपकी बहन से झगड़ा हो गया और आप उससे बात नहीं कर रहे, पर अपने मन की बात उससे कहना भी चाहते हैं, तो क्या ऑप्शन है, आप कैसे अपने मन की बात कहेंगे, लिखकर? ठीक है, भाषा। अब जब हम अपने मन के विचारों या भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। आज हम भाषा के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा में हम अपने विचारों और भावों को बोलकर प्रकट करते हैं। मौखिक भाषा के अंतर्गत बोलना सुनना आता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री जी आप सभी को कोरोना वायरस के कारण घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। आप सुनते हैं ना, न्यूज सुन रहे हैं टीवी में, वो बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, तो ये क्या हो गई, मौखिक भाषा। मैं भी आपसे यही कहूंगी कि आप अपने घर से बाहर न निकले और अपने को सुरक्षित रखें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नानी कहानी सुना रही है, नानी कहानी बोल रही है और आप सुन रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मौखिक भाषा। मैंने भी आपको बताया था मौखिक भाषा में बोलना और सुनना आता है। नानी कहानी बोल रही है, आप सुन रहे हो, इसलिए यह हो गई मौखिक भाषा। समझ आ गया आपको मौखिक भाषा। अब हम चलते हैं लिखित भाषा की ओर। लिखित भाषा, लिखित भाषा में हम अपने विचारों और भावों को लिख कर प्रकट करते हैं। लिखित भाषा के अंतर्गत लिखना और पढ़ना आता है। उदाहरण, राम पत्र लिख रहा है। अब राम पत्र लिख रहा है, आपको पता चल जाएगा कि ये लिखित भाषा है। रौनक पुस्तक पढ़ रहा है, अब रौनक पुस्तक पढ़ रहा है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो तो पढ़ रहा है, लिखित भाषा कैसे हो सकती है? बेटा, उसमें जो बुक में लिखा हुआ है रौनक वही पढ़ रहा है, तो इसलिए ये लिखित भाषा हो गई। इसमें पढ़ना भी आ गया और लिखना भी आ गया। समझ आ गया आपको यहाँ तक? जैसे दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र अखबार में लिखे हुए हैं और दादाजी पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गई, लिखित भाषा। यहाँ तक समझ आया आपको? चलिए अब हम चलते हैं सांकेतिक भाषा की ओर, इशारों वाली भाषा। कई बार इशारों से हम अपनी बात को दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, दूसरा उस भाषा को नहीं समझ पाता है, समझ नहीं पाता ना। कई बार होता है ना, एक दूसरे को इशारों से बात करते हो, कोई आपकी बात समझ आता है, कोई आपकी बात नहीं समझ पाता। हमेशा हम इशारों से तो बात नहीं कर सकते, तो इसलिए भाषा के इस रूप की गणना व्याकरण में नहीं की जाती। यहां तक समझ आया? मातृभाषा, मातृभाषा वह होती है जो बच्चा अपनी माँ से अपने परिवार से सीखता है। हिंदी भाषी परिवार का बच्चा हिंदी भाषा सीखता है, पंजाबी भाषी परिवार का बच्चा पंजाबी भाषा सीखता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इतना छोटा बच्चा पंजाबी भाषा कैसे सीख जाता है, क्योंकि भाषा का पहला पाठ बच्चा अपनी माँ से सीखता है। माँ और उसके परिवार के सदस्य उससे पंजाबी भाषा में बात करते हैं, तो बच्चा पंजाबी भाषा सीख जाता है। समझ आ गई आपको मातृभाषा क्या होती है? अब हम चलते हैं राजभाषा की ओर, जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों के काम काजों में किया जाता है। कई बार आप अपने मम्मी पापा के साथ सरकारी कार्यालयों में जाते होंगे, आप देखते होंगे वहां सब हिंदी भाषा बोलते हैं। जैसे कई बार बैंक में चले जाते हैं, आप अस्पताल में चले जाते हैं, आप देखते हैं वहां पे सब हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि भारत की राजभाषा हिंदी है। अब चलते हैं हम लिपि की ओर। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी, संस्कृत, मराठी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। गुरुमुखी पंजाबी की लिपि है। रोमन अंग्रेजी भाषा की लिपि है। उर्दू फारसी भाषा की लिपि है। अब मैंने यहाँ पर भाषा लिखी है और लिपि लिखी है। अब आप देखिए, हिंदी में लिखा हुआ है हम सब भारतीय हैं, इसी की लिपि, हिंदी की लिपि क्या हो गई, देवनागरी। वी ऑल आर इंडियंस, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है,
अब आप देखेंगे कि अंग्रेजी की लिपि कौन सी है, रोमन। अब हम चलते हैं व्याकरण की ओर। व्याकरण हमें शुद्ध बोलना पढ़ना लिखना सिखाता है। व्याकरण ही हमें भाषा के नियमों की जानकारी भी देता है। सपोज किसी बच्चे ने लिख दिया लड़के खेल रहा है, तो क्या ये ठीक है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि लड़के बहुवचन होता है तो हमें इसे इस तरह से लिखना चाहिए लड़के खेल रहे हैं। बहुवचन बनाते समय जब हम रहे हैं लिखते हैं तो है पे हमेशा डॉट आती है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जब भी एक ही मात्रा आ जाती है उसके बाद है लिखते हैं तो हमेशा डॉट लगाते हैं, जाते हैं खाते हैं पीते हैं, ये डॉट लगती है। ये है व्याकरण के नियम। तो भाषा व्याकरण जो है भाषा के नियमों की हमें जानकारी देता है। आज के लिए बस इतना ही। अब आपको इस चैप्टर का कार्य पत्र भेजा जाएगा जो आपने स्विम करना है।